हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बच्चों का मसाज कैसे करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को सिखाती हूं कि बच्चों का मसाज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से बात करेंगे बच्चे का मसाज कैसे करते हैं और शेयर करेंगे। मैं अपने बच्चे को ट्राई कर रही हूँ, तो दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। तो पहले ऐसे पैर से स्टार्ट करती हूँ, घुटनों पे अच्छे से ऐसे ऐसे मालिश करना है। और इसे तलवे में फिर ऐसे ऐसे अच्छे से मसाज करना ताकि एक और प्रेशर लगेगा एकदम से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। ऐसे ऐसे घुटने पे ऐसे करने से क्या होता है, यहाँ की हड्डी मजबूत होती है और बच्चे आराम से चलेंगे, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही हम सारे शरीर का कर लेंगे, पूरे पैर का, फिर हाथ का, फिर चेस्ट का कर लेंगे, फिर स्टोमेज का कर लेंगे, सारी बॉडी का। ऐसे हम बच्चे देखिए एंजॉय करते हैं। अच्छे से इसको करना है, कम से कम आपको पूरा मसाज 20 या 30 मिनट करना है। वैसे ही हम दूसरे पैर का भी कर देंगे और इसमें सारे में ऐसे पोर्टो में ध्यान देंगे ताकि ये चिपके रहते हैं, तो वैसे करने की ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसमें भी अच्छे से एक अच्छे से लगा दिया करेंगे। मेरा बेबी इंजॉय कर रहा है, बेबी ऐसे अब ऐसे ही दूसरे पैर का भी कर देंगे। अच्छे से जहाँ जहाँ आपको मतलब पता न चले, जहाँ जहाँ ये रहते हैं जहाँ दिख नहीं पाते, अच्छे से आपको बता देना। जैसे कि ये और इसमें ऐसे ऐसे डाल देते ताकि इसमें रैसेस ना पड़े और अच्छे से इसके एक और प्रेशर बनता है। इससे पहले में ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से मसाज करना, इससे ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से हो और हमारे मेरी बेबी इंजॉय करेगा। ये देखिए इंजॉय कर रहा है, ये और मैं ऐसे ही लगाना है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है, एक दो मंथ के है, तो आप बहुत स्लोली स्लोली मसाज करें। तो हमारा बेबी 4 मंथ का होने वाला है, तो आप थोड़ा सा बच्चों को बहुत आराम मिलता है।
같이 뒷니들 나갔겠네요. बच्चे का हैंड का भी ऐसे करके और ऐसे ऐसे करना है ताकि इसका जो ज्वाइंट हो ये बहुत मजबूत हो। ऐसे आपको तेल लेके नहीं लगा लेना है, इसको धीमे धीमे ऐसे मालिश करना है ताकि जो पूरा इसका जो तेल हो पूरे शरीर के अंदर तक जाए, इसके पोर के पोर से पूरे शरीर में जाए, तो इसलिए ऐसे धीमे धीमे करते रहना। ये जो बच्चे के शरीर में जो पोर होते हैं उसी से पूरे शरीर में अंदर मालिश करने से जाता है तेल, क्योंकि जब बच्चा होता है तो बहुत बच्चा सुस्त होता है तो मालिश के द्वारा ही ये मजबूत बनते हैं, तो इसे मालिश करना चाहिए। बच्चा कम से कम 6 महीने तक 3-4 मालिश आपको करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से मजबूत हो जाए। जैसे पैर के तले में करते हैं वैसे ही हाथ में करना है। ऐसे फिर दूसरे हाथ में करना है। इंजॉय कर रहा है हमारा बेबी, इसको बहुत अच्छा लगता है मसाज कराना। इसका भी ध्यान रखिए कि जब मसाज करें तो बच्चे के कम से कम 1.5-2 घंटे पहले आप फीडिंग करा लें, उसके बाद ही मसाज करें। नहीं तो क्या होता है कि आप तुरंत फीडिंग कराएंगे और मसाज करेंगे तो उनको उल्टी होने का चांस रहता है। तो ये मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ, अभी मेरा बेबी 2 घंटा हो गया है इसको फीडिंग किया हुआ, तो मसाज करने के बाद मैं इसको फीडिंग कराऊँगी। और ये ध्यान रखें कि जब हमारा बेबी मसाज करे तो थोड़ा सा फीडिंग जरूर कराएँ। मैं आपको दिखाती हूँ फेस का मसाज कैसे करते हैं। फेस तो आप ये सर्व करेंगे, ये यहाँ दबाएंगे, यहाँ पे जो बाल वगैरह रहते हैं छोटे छोटे ये झड़ भी जाएंगे ऐसे करने से। उसके बाद थोड़ा सा नाक को ऐसे और इसको अंदर थोड़ा सा करेंगे, ये जो बाहर थोड़े थोड़े निकले रहते हैं वो अंदर चले जाएं, तो ऐसे। उसके बाद कान का भी मसाज करें, क्योंकि कान का ध्यान रखें क्योंकि ये कान के पीछे चिपका रहता है, तो इसमें जरूर तेल लगाएं नहीं तो वैसे होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे दोनों कान के पीछे Thank you.
का बेबी न्यू बॉर्न बेबी है, तुरंत अभी 1-2 मंथ का है, 1-2 महीने का है, तो उसको पैर पर लेके मसाज करें। अगर आपका बेबी 4 महीने तक का हो गया, 4 महीने 5 महीने का है, तो आप उसको ऐसे निकाले कर सकते हैं। मेरा बेबी 4 मंथ का है, तो मैं ऐसे आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे करते हैं। और उसके बाद देखिए बताती हूँ बैग का कैसे करते हैं। गर्दन पे अच्छे से मालिश करना है यहाँ पे, ताकि गर्दन अच्छे से ज्वाइंट हो और मजबूत हो। और ऐसे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, धीमे धीमे जो भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो। और ये जो बीच की रीत के अभी है उसको ऐसा गर्दन के पास भी अच्छे से और यहाँ पर बहुत ध्यान देना, यहाँ पे जो होता है ना रीढ़ की हड्डी होती है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे करना होता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से यहाँ पर मालिश ना हो ना तो बाद में बहुत पेन होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान दें। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, मैं नारियल का तेल यूज करती हूँ, आप चाहे तो सरसों का भी कर सकते हैं या आलमंड बादाम वाला कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद सर पे तेल लगाना, कोई भी तेल लगा सकते हैं, मैं सर पर सरसों का तेल लगाती हूँ, तो कभी भी सर बच्चे का सर सूखा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बहुत नाजुक होता है कलवा जो आपको बोलते हैं, ऐसे से करना है, बच्ची इंजॉय करे। तो ऐसे सारे कर लेना है, तो देखिए कितना इंजॉय कर रहा है बेबी। मसाज करने के बाद एक्सरसाइज करना हम नहीं भूलें। सबसे पहले आप ऐसा रखें तीन पैर दोनों ऐसे करके सीधा, और इसको जितना ऊपर जाए उतना ऊपर ले जाएं। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो ज्वाइंट होता है मजबूत होता है, और जो बच्चे के पेट में गैस है तो वो भी पास हो जाता है। तो ये 10 बार कम से कम कराएँ। 10 फिर ऐसे 1-2 ऐसे भी बहुत मजबूत होता है पैर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ऐसे वाला एक और ब्रेसर वाला करें ऐसे धीरे धीरे ऐसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे धीरे करना है। और मसाज करने के बाद एक्सरसाइज करना हम नहीं भूलें। सबसे पहले आप ऐसा रखते हैं तीन पैर दोनों ऐसे करके सीधा, और इसको जितना ऊपर जाए उतना ऊपर ले जाएं। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो ज्वाइंट होता है मजबूत होता है, और जो बच्चे के अगर पेट में गैस है तो वो भी पास हो जाता है। तो ये 10 बार कम से कम कराएं। 3
फिर ऐसे है वन टू, इससे भी बहुत मजबूत होता है सर। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और एक ऐसे वाला इनको प्रेशर वाला करें ऐसे धीमे धीमे ऐसे फोर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे धीरे करना है ऐसे ही दूसरे पैर का भी वन टू एट नाइन टेन, फिर एक ऐसे वाला सीधा करके ऐसे। इधर क्या होता है ना कि ये जो टूटने का जो आइन बताइए ये मजबूत होता है ऐसे बात बात कर रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और हाँ करता है ऐसे ही। इससे क्या होता है ना दोनों बाद में ब्लड अच्छा सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ऐसे पाँच थ्री हो गया बेटा फोर फाइव, ऐसे दूसरे बैठा वन टू थ्री फोर फाइव, हो गया सुना बेटा। तो आप एक्सरसाइज कराना बिल्कुल ना भूलें, इससे बच्चे मजबूत होते हैं और जब चलेंगे तो आराम से चलेंगे, उनको पूरा हड्डी मजबूत। आप लोगों को मैंने शेयर किया कि मसाज कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।